हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फूड एंड किचन। तो फिर आज की किचन में हम लोग बनाएंगे अफगानी और साथ में पाकिस्तानी पराठा, दोनों एक ही वीडियो में शेयर करेंगे। तो फ्रेंड वीडियो इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ये पराठा बहुत ही टेस्टी सुबह सुबह के नाश्ते में फटाफट बन जाता है। तो चलिए, यहाँ पर एक कप आटा हमने लिया है, गेहूँ का आटा, और यहाँ पर हल्का सा नमक यूज करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप चाहें तो मंगरेल और अजवाइन का भी यूज करते कर सकते हैं, फ्लेवर अच्छा आता है। तो फ्रेंड यहाँ पर घी 2 चम्मच यूज करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड आप चाहें तो यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। घी का पराठा यहाँ पर बहुत ही टेस्टी लगता है, तो फ्रेंड इसलिए हमने घी यूज किया है। तो फिर यहाँ पर आप पानी यूज करेंगे, पानी डालेंगे एक साथ में, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर एक साथ में पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, जैसे आटा लगाते हैं सब रोटी बनाने के लिए बिल्कुल वैसे ही आटा लगाना है, उससे ज़्यादा गीला भी नहीं होना, ज़्यादा सख्त भी नहीं करना है। तो चलिए फ्रेंड इसे मैश कर लेते हैं, आटा को अच्छे से मैश करना है तभी अच्छा पराठा बनेगा। तो चलिए हम लोग आटा को अच्छे से लगा कर फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, तो चलिए इसे हम लोग 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे कवर करके। तो 5 मिनट बाद फ्रेंड यहाँ पर छोटा सा हमने लोई लिया है, यहाँ पर थोड़ा सा मोटा पराठा बनता है, बिल्कुल पराठा पतला नहीं बनाना है, यहाँ पर हल्का मोटा ही बनाना है, तभी खस्ता और खाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो फ्रेंड ये वाला पराठा चाय के साथ बहुत ही मज़ा आता है, चाय के साथ ये वाला पराठा मिल जाए तो सुबह का नाश्ता में कुछ और ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। तो चलिए अभी तो हम फिलहाल सब्ज़ी के साथ में यूज करेंगे। तो यहाँ पर रोल कर लेना है अच्छे से, और बहुत ज़्यादा पतला रोल नहीं करना है, हल्का मोटा ही रहना है। और यहाँ पर रोल हो चुका है, तो फिर यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा 1 चम्मच भर के घी लगाएंगे। तो फिर यहाँ पर घी का कोताही बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, नहीं तो पराठा ही आपका खस्ता नहीं बनेगा। तो फिर यहाँ पर हम लोग बीच से बिल्कुल सेंटर से कट करेंगे, सिर्फ एक कट करेंगे और ऐसे फोल्ड करेंगे। तो फ्रेंड फोल्ड करते आपको केयर रखना है कि बाहर के राउंड साइड में बाहर ना निकल जाए, तो इस तरह से आप अंदर के साइड में मोड़ते हुए ये बिल्कुल लेवल में आपको फोल्ड करते जाना है। तो ये देखिए फ्रेंड काफ़ी अच्छे से फोल्ड हो चुका है। तो फ्रेंड यहाँ पर इसकी लेयर साइड साइड से खोल देंगे और बिल्कुल सेंटर में रख के प्रेस करेंगे, और ताकि ये फिर से लोई की जैसा लड्डू वो पेड़ा का जैसा चपटा हो जाए। तो ये देखिए देखने में कितना गुलाब के फूल के जैसा लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पर हम लोग इसे प्रेस करते हैं। तो देखिए बिल्कुल ऐसे करके आपको ऊपर से प्रेस करना है। तो ये साइड साइड से जो लेयर है वो काफ़ी अच्छे से खुलता है जब पराठा बनने लगता है तो, और ये खस्ता बहुत ही क्रिस्पी भी बन जाता है अगर आटे में थोड़ा सा मैदा लगा ले तो। तो यहाँ पर हमने मैदा नहीं यूज किया है, तो यहाँ पर आटा सूखा आटा लगा के इसे रोल कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर घी लगा के भी रोल कर सकते हैं, तो लेकिन हम यहाँ पर सूखा आटा लगा के रोल कर रहे हैं। तो इस तरह से रोल कर लीजिए। तो फिर यहाँ पर साइड साइड से फटता है, बट ये ज़्यादा नहीं फट रहा है, वैसे जो फटता पराठा साइड साइड से इसमें अफगानी पराठा में वो पराठा बहुत ही टेस्टी बनता है, वो उस तरह का पराठा जो साइड साइड से एकदम बिल्कुल क्रिस्पी हो जाता है और बीच में बिल्कुल खस्ता खस्ता रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो फिर यहाँ पर तवा रख लिए हैं और इसे तवे पर सेक लेंगे ऐसे घुमाते हुए। फिर वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पर हम लोग घी लगा लेते हैं, पलट लिए हैं, तो घी को भी यहाँ पर अच्छे से लगाइएगा, अगर आप रिफाइंड भी ऑयल लगा रहे हैं तो उसे भी अच्छे से लगाइएगा। तो
यहाँ पर एक एक चम्मच, एक परेठा में कम से कम चार चम्मच घी लग जाता है, फिर लगभग चार, तीन अगर बहुत कम करेंगे तो तीन चम्मच तो लगना है। तो फ्रेंड यहाँ पर दोनों तरफ से सेकेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि परेठा फूले नहीं, फूलना होगा तो उसे पचका दीजिएगा। और ये देखिए लेयर फूलने से क्या होता है कि वो बिल्कुल खस्ता जैसा नहीं बनेगा, इस तरह से खस्ता बहुत ज़्यादा बनता है, अच्छा लगता है। तो परेठा बनके तैयार हो गया आपका। नहीं तो चलिए अब हम लोग पाकिस्तान में चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर पाकिस्तानी परेठा बनाने के लिए एक लोई ली हमने, उसे रोल कर लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड रोल कर लिए, तो यहाँ पर सूखा आटा लगा के रोल करेंगे। और इसे भी फ्रेंड थोड़ा मोटा ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, इसे थोड़ा सा और भी मोटा रहेगा तो चल जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड घी लगाएंगे, थोड़ा सा कम घी यहाँ पर यूज करेंगे अफगानी परेठा से, पाकिस्तानी परेठा। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड इस तरह से हम बिल्कुल रोल करेंगे, जैसे हम लोग रिक्वेस्ट रोल करते हैं वैसे रोल करना है। और यहाँ पर ऐसे गोल में पीस में उस सेंटर में उसे दबा के ऐसे साइड से रोल करना है और नीचे के साइड में ले जाना है, उसे ऊपर से ऐसे प्रेस करना है। तो फ्रेंड ये देखिए पाकिस्तानी परेठा इस तरह से बनता है। और चलिए इसे प्रेस करते हैं। ये भी बिल्कुल साइड साइड से गोल नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा फटा फटा होता है, तो वो भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर फ्रेंड हम लोग सूखा आटा लगा के रोल कर लेते हैं। और ये देखिए फिर काफ़ी अच्छे से गोल एकदम बिल्कुल बन गया है, साइड साइड से फटा नहीं है। तो आटा ज़्यादा यहाँ पर सॉफ्ट किया है इसलिए साइड साइड से नहीं फट रहा, नहीं तो फटा हुआ बहुत अच्छा लगता है, ऐसे भी अच्छा लगेगा फ्रेंड, लेकिन फटा हुआ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर तवा गरम तो है ही, और उसी पे हम लोग ये परेठा भी डाल देते हैं, पाकिस्तानी परेठा। और ये देखिए फ्रेंड काफ़ी अच्छे से पलट ले रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हाथ को बचा के कीजिएगा क्योंकि इस पर घी लगा है तो थोड़ा सा जलता ज़्यादा है। तो यहाँ पर इसे साइड से पलट लिए और यहाँ पर घी लगाएंगे और दूसरी साइड से भी पलट लेंगे और दूसरी साइड भी घी लगा लेंगे। तो यहाँ पर तुरंत तुरंत पलट ले रहे हैं, आपको वेट नहीं करना है कि दूसरी साइड भी कलर चेंज हो जाएगा। तो आप परेठा लगाने के बाद ही, क्योंकि इसे फूलने नहीं देना है, इसे भी इस परेठा को भी फूल जाएगा तो फिर वो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा हमें खस्ता जैसा चाहिए। तो यहाँ पर देखिए चाकू से अगर खोला जाए तो लेयर आसानी से खुल जाता है। तो फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा जल रहा है, हल्का सा ठंडा हो तो खोल सकते हैं, अगर आपको खोल के दिखना है तो खोल दीजिए और ऐसे ही फोल्ड करके आप चाय के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी। तो फ्रेंड बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं, सुबह सुबह के नाश्ते में आप चाय और ये परेठा बना के दे दीजिए तो बच्चे सब्जी का खोज नहीं करते हैं। तो सब्जी तो वैसे भी बच्चे नहीं ढूंढते हैं, वैसे इसके साथ में चाय ही मज़ा आता है। तो फ्रेंड चलिए अब हम लोग इसे सर्व करेंगे। तो ये देखिए लेयर काफ़ी ये खस्ता खस्ता बना है, चलिए इसे हम लोग तोड़ कर भी देख लेते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल आसानी से टूट जा रहा है। तो फ्रेंड इस तरह से चाय से खाने में मज़ा आता है। तो यहाँ पर चटनी है मूंगफली का और सूखा आलू का प्याज का सब्जी है, तो उसके साथ सर्व कर रहे। तो चलिए वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खूब सारा अपना ख्याल रखिएगा और अपनी फैमिली का।